सबसे पहले तो, और दिवाली ख़त्म हुई है, छठ पूजा ख़त्म हुई है, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। दिलीप जी आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस फिल्म में एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, इस फिल्म से मैं इसीलिए जुड़ा हूँ क्योंकि अखिलेश सिंह इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, वो इस फिल्म के EP हैं, और मैं अपनी शुभकामनाएं देने आया हूँ इस फिल्म में, क्योंकि मैं अखिलेश सिंह के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इसीलिए उसकी हर चीज़ों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ जहाँ पर वो है तो मैं भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो जहाँ से जहाँ भी रहे अच्छा करे, तो इसीलिए मैं इस सेट पर आया हूँ। दिलीप सर आए हैं आज आशीर्वाद देने इस फिल्म को, उनके बारे में क्या कहूँ? दिलीप जी के बारे में क्या कहूँ? अब देखिए, मैं अभी सामने बैठा हूँ और वो सूरज की रोशनी मेरे आ रही है। अभी मैं सूरज के लिए क्या कहूँ, आप बताइए। मतलब एक सूरज सामने चमक रहा है, एक बगल में है। अब इनको मैं क्या, मेरे शब्द, क्योंकि ये खुद इतने बड़े राइटर हैं कि मैं इनके बारे में कुछ शब्द कहूँ वो बहुत छोटे पड़ जाएंगे, तो मैं इनके लिए कुछ, मैं सूरज से इनकी तुलना कर रहा हूँ, उससे बड़ी तुलना हो नहीं सकती। आने वाली क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, क्या फिल्में हैं? मैं बेसिकली बहुत ज़्यादा TV में इन्वॉल्व रहता हूँ। अभी भी मेरा एक शो चल रहा है परम अवतार श्री कृष्ण एंड TV पे, एक और शो आने वाला है उस पर मैं बहुत अच्छा कैरेक्टर कर रहा हूँ। भोजपुरी से जहाँ तक ताल्लुकात है, मैंने अभी तक 10-12 फिल्में की हैं भोजपुरी में। अभी एक फिल्म कर रहा हूँ मैं प्रदीप पांडे चिंटू के साथ, या अली बजरंग बली, जिसकी शूटिंग के लिए मैं जा रहा हूँ बनारस। एक और फिल्म अखिलेश सिंह के साथ ही कर रहा हूँ मैं फरवरी में, जो है भोजपुरी। ये मेरी इस भोजपुरी इंडस्ट्री से ये ताल्लुकात है मेरा। मैं TV ज़्यादा करता हूँ, और एक प्रोजेक्ट जब करता हूँ तो पूरा साल भर चलता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक बात अभी मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, अभी जो मिश्रा जी ने ना हमारे प्रोड्यूसर ने बात की ना हमारे साथ, देखिए बहुत अच्छी बात उन्होंने की। मैं चाहता हूँ इस बात को आप थोड़ा सा अंडरलाइन करें आप लोग भी, कि उनकी पहली फिल्म है एज ए प्रोड्यूसर, राइट? तो उन्होंने एक बात की कि हमने टाइटल ही ऐसा रखा है जुग जुग जिया हो ललनवा, जो अपने आप में कहता है कि पारिवारिक फिल्म है। तो मैं कहूँगा कि यार, ये एक अच्छे निर्माता के बड़े अच्छे सिम्टम्स दिखे इनमें, ये बात कहते हुए। एक तो उन्होंने ये मन बनाया कि हम एक फैमिली इंटरटेनर, हम एक पारिवारिक फिल्म बनाएं। दूसरा, उन्होंने टाइटल जो रखा उसका कहानी से सीधा लेना देना है। आजकल लोग टाइटल अपना फिर भी रख लेते हैं, तो मैं उनके इस विश्वास की ज़रूर सराहना करूंगा जो उनके अंदर है। इस बात को आप थोड़ा अंडरलाइन करें कि उन्होंने शीर्षक पे बात की और शीर्षक को जस्टिफाई किया उन्होंने, और वाकई वो टाइटल है ऐसा जो पारिवारिक फिल्म की तरफ आपको ले आता है। यार, ये मिश्रा जी तो बड़ा अच्छा तीर छोड़ गए, ये इसको ज़रूर लगाना है। बहुत शानदार बात इन्होंने कह गए। इससे मैं अगेन एक बार और शुभकामनाएं दूंगा कि ये उनका एक साफ सुथरा जो मामला है वो आगे जाके सफलता की तरफ बढ़े। धन्यवाद। और दिलीप जी, आप इस बात को एक्चुअली